पर जवान और सड़क पर किसान, आज जिस प्रकार से देश के अन्नदाता के साथ शोषण करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है और इस छिटराती सर्द गर्म रातों के अंदर खुले आसमान के नीचे लाखों किसान अपने बच्चों के साथ इंसाफ के लिए बैठा हुआ है और सरकार लगातार इस बात की दुहाई दे रही है कि ये बिल, ये कानून किसान के हित में है। अगर किसान के हित में है तो फिर कितना किसान इतना परेशान क्यों है? अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए देश के किसानों को सड़क के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। कल भारत बंद है। मैं समस्त लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर अन्नदाता परेशान रहेगा तो अन्नदाता की परेशानी का सबब हम सबके ऊपर पूरे समाज के ऊपर उसका असर पड़ना है। कल के भारत बंद में किसानों के इस आह्वान के अंदर 3 बजे तक मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि 3 बजे तक जिस प्रकार से भी लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध दर्ज करा सकते हो, विरोध दर्ज कराने का काम करें। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि देश के अंदर अब सशक्त रूप से अपनी आवाज को उठाना चाहिए। किसानों ने एक बीड़ा उठाया है और हम सलाम करते हैं पंजाब के किसानों को जिन्होंने इसके अंदर पहल करने का काम किया। कभी उन्हें खालिस्तानी और कभी आतंकवादी बताने का काम ये सरकारें कर रही हैं। 5 आतंकवादी आज भी दिल्ली के अंदर पकड़ लिए गए। पता नहीं जब जब कोई गंभीर विषय देश के अंदर उठाया जाता है तब तब ये सरकार उस गंभीर विषय की गंभीरता को ना देखकर लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। किसान है देश के अन्नदाता हैं। अगर किसान काम करना बंद कर दे तो देश के अंदर खाद्यान्न की कमी हो जाए और किसान की इस लड़ाई के अंदर, किसान की इस आवाज के अंदर देश के सभी किसानों के साथ, मजदूरों को, व्यापारियों को, सब वर्ग के लोगों को लग करके उनकी आवाज के अंदर आवाज को मिलाने का काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान रोजगार से परेशान है। ये जुमलों की सरकार, ये जुमलों में बातें करने वाली सरकार, जब बिहार इलेक्शन था प्रधानमंत्री जी बिहार के अंदर कोरोना वैक्सीन मुफ्त दे रहे थे, लेकिन यही प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये किस प्रकार से मुमकिन होगा कि मुफ्त वैक्सीन दे दी जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग आज सत्ता के अंदर बैठे हैं जो केवल एक ही काम उनको आता है कि किसी भी तरह से समाज के अंदर ध्रुवीकरण कराओ और वोट पाओ। हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, हमें इन चीजों को तोलना पड़ेगा। आज किसान की बात के ऊपर जिस प्रकार से सोशल मीडिया के अंदर उनके ऊपर आपत्तिजनक बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा की जाने का काम किया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय है। इसलिए सबका फर्ज है कि कल के आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लें और अपने विरोध को दर्ज करा करके एक इतिहास बनाने का काम करें कि अगर देश का किसान परेशान है तो इस देश के रहने वाला प्रत्येक नागरिक परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।